अच्छे बालक। इस पाठ में अच्छे बालक किन्हें कहा जाता है, इस बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। सभी बच्चों को इन बातों का पालन करना चाहिए और अच्छे बालक बनना चाहिए। रमेश, आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान जी, मोहन भैया सबसे लड़ते हैं। आज उन्होंने मुझे मारा है और गाली भी निकाली है। अच्छा, आप लोग मोहन भैया को क्या कहेंगे? बड़े भैया। तो देखो, आज हम आपको अच्छे बालक के विषय में बताएंगे। बताइए, आप अच्छे बालक किन्हें कहेंगे? जो सबसे मिलकर रहते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। रमेश, आप बताइए। जो बड़ों का आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते। बहुत अच्छा, आप में से कोई और कुछ बताएगा? श्रीमान जी, जो बड़ों को तू और तुम न कहकर आप कहते हैं और जी लगाकर बात करते हैं। ठीक है, मोहन आप बताइए। जो बालक हमेशा पंक्ति में चलते हैं, प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहते हैं, वे अच्छे कहे जाते हैं। बहुत अच्छा। देखो, श्याम भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ श्याम, आप कहिए। श्रीमान जी, जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते, कागज के टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकते, मिट्टी में नहीं खेलते, अपने कपड़े गंदे नहीं करते, वे बालक अच्छे होते हैं। सुंदर। अब गीता कुछ कहेगी। गीता आप बताइए। जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं। बच्चों, आपने अच्छे बालक के विषय में आज बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेते और अपनी वस्तुओं को सही जगह पर रखते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे बोल बोलते हैं। बताइए, आप सब कैसे बच्चे बनेंगे? अच्छे बच्चे। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं। श्रीमान जी, अब मैं कभी किसी को न मारूंगा न गाली निकालूंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। मोहन भैया अच्छे भैया।